एक और क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा, आरसी सर्किट पे एक प्रॉब्लम और करते हैं, ठीक है? एक प्रॉब्लम ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए, बस बताना इसको तुरंत में। ट्वेंटी साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, सी की वैल्यू दिया है, चलो एक्स ही डायरेक्ट मैं दे दे रहा हूँ 1 ओम, आर दे दे रहा हूँ 1 ओम, फाइंड फेज डिफरेंस। अरे तो ये तो डायरेक्टली हो जाता है सॉल्यूशन में सीधा, इसमें कुछ करना ही नहीं। फेज डिफरेंस क्या, सब कुछ हम लोग सब कुछ बताते हैं, ठीक है? सबसे पहले पता है कि एक्सएल एक्सी आर ये सब कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे तो आर दिया है एक्सी दिया है, तो एक्सी नीचे कितना 1 आर 1 जेड रूट 2 45 डिग्री। जेड पता होते ही आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, देखो वी नॉट कितना है 20, वी आर एम एस कितना है 20/√2, आई नॉट कितना होगा 20/√2, वो वाला आई आर एम एस नहीं है, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आई आर एम एस आई नॉट के बराबर आ जा रहा है, वी नॉट के बराबर। भाई ये जेड से डिवाइड किया हूँ मैं 10√2, आई आर एम एस कितना होगा 10, आई कितना होगा, आई के लिए आई नॉट होता है 10√2 साइन, फेज पार्ट जो दिया है पहले उसको लिख लो ओमेगा टी प्लस 30। अब मुझे बताओ कि कैपेसिटिव बिहेवियर है, तो कैपेसिटिव बिहेवियर में करंट लीड करता है, करंट लीड करता है कितना डिग्री लीड करेगा, ये 45 डिग्री, प्लस का 45 डिग्री, ठीक है ना? कल के दिन आपको मान लो वी आर पूछे, तो अब एक बार करंट आ जाता है, याद रखिएगा वी आर वी एल ये सब जो भी बताना है करंट निकालने के बाद ही कुछ करना होता है, वी आर एक बार पूछा जाए तो वी आर का काम बहुत आसान है, वी आर होगा मैग्नीट्यूड पार्ट वाले लिख ले आई नॉट इंटू आर, तो वही रहेगा 10√2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 45, क्योंकि कोई बदलाव नहीं होता फेज में आर में। वी सी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड लिखा साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 45। अब साइन में कैपेसिटर में करंट जो होता है वो लीड करता है, यानी वोल्टेज लिखते समय 90 डिग्री माइनस का, खुद के वोल्टेज को लिखना हो खुद के करंट से तो 90 डिग्री, ठीक है? तो आरसी हो गया, एलआर हो गया, हम लोग अब बात करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट की। अगर तीनों हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, अगर तीनों हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे सीरीज एलसीआर। सीरीज एलसीआर सॉल्व करना है तो प्रोसीजर एकदम बदला नहीं है, नियम वैसा ही है कि सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेप 1 फाइंड एक्सएल एक्सी आर, स्टेप 2 फेजर, इस इतना करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब ये फेजर आने से यहाँ से कैलकुलेट जेड एंड थीटा, थीटा मतलब फेज डिफरेंस, वो तो आ ही जाता है देख के, वहाँ से अब सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग को। उसके बाद पता होता है वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, तो ये रिलेशन है,
और इसके क्रॉस लिखना है तो वो भी पता है, ठीक है। ये सब बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कल के दिन मान लो भाई आपको करंट पता ही चल गया, जब आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा मान लो कुछ पता चल ही गया, तो वी आर लिखना तो बहुत आसान है ना। आई नॉट आर वी सी, आई नॉट दिस, और करंट से 90 डिग्री वोल्टेज जो कैपेसिटर का होगा पीछे रहेगा, इसका वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहेगा, वो जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो आर है, ये क्या है वी सी है, ये क्या है वी एल है, तो भाई दूसरे स्टेप में ये किया, तीसरे स्टेप में वी एल वी सी वी आर लिखना हो तो बहुत आसानी से लिख लो। वी आर कितना होगा, वी आर करेंट आपने एक बार पता कर ही लिया, आई नॉट आर फेज पार्ट लिखो, मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, फेज पार्ट, फेज पार्ट में जो करंट दिया है वही लिखा जाएगा। वी सी लिखना है तो मैग्नीट्यूड पार्ट एक्स सी, फेज पार्ट करंट जो दिया है पहले उसको लिख लो, उसके बाद करंट से 90 डिग्री पीछे होता है वोल्टेज, पीछे कर दिया कैपेसिटर में, इंडक्टर में करंट लैग करता है यानी वोल्टेज लीड करेगा, मैग्नीट्यूड पहले लिख लो आई नॉट एक्स एल। अब करंट लिखने और फेज लिखने के लिए पहले करंट का फेज लिखो, 90 डिग्री आगे रहता है, सारा पार्ट हो गया अपना। अब इस पर एक दो प्रैक्टिस कर लिया जाए, क्लियर हो जाएगा एकदम। जैसे कि आपको ये दिया जाए, वी दिया 20 sin 100 pi t, आर दिया है 4 ओम, सी दिया है चलो 1/600 pi farad, और एल दिया है 0.02 pi henry, और सब कुछ बताना है मुझे। आप सर पहले तो इन्फॉर्मेशन देख के मुझे बताओ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है, तो दिख रहा है सीधा 20, पीक वैल्यू अपॉन √2 करते हो तो RMS आ जाता है, वी RMS कितना हो जाएगा 20/√2, ठीक है। ये दो चीज़ तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं। अब मान लो मुझे इसको सॉल्व करना है तो प्रोसीजर से चलो एकदम आसानी से। एक्स आर कितना दिया है पहले लिखो, 4 ओम दिया है। एक्सएल कितना दिया है, एक्सएल दिया है ओमेगा एल जो कि हो जाएगा 2 ओम। एक्ससी कितना दिया है, तो 1/ωc, जिसको सिंप्लीफाई किया तो पता चला 6 ओम आया। फेजर बनाओ अगले पार्ट में, फेजर कितना होगा, फेजर में एक्स आर इधर बनाया कितना का 4, एक्सएल ऊपर 2, एक्सी नीचे 6, वेक्टर की तरह इसको ट्रीट करो, देखोगे तो ये नीचे बनेगा कितना 4, इधर बनेगा 4, इधर बनेगा, ये रिजल्टेंट जो आया वो 4√2 आया, जिसे हम लोग बोलेंगे जेड। ये एंगल आप सभी को समझ में आ रहा होगा 45 डिग्री, यानी फेज डिफरेंस जो आया वो 45 डिग्री जेड आ गया। जेड आते ही आई नॉट जो होता है वो वी नॉट बाई जेड, तो आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वी नॉट 20 दिया है, जेड 4√2 दिया है, तो 20/4√2 जो कि हो जाएगा 5/√2। अच्छा आई नॉट आ गया तो कोई आई RMS पूछता तो आई RMS होता है आई नॉट बाई √2, तो आई RMS हो जाएगा 5/2 एम्पियर, ठीक है। आगे मैं बात करूं इसी में और सिंप्लीफिकेशन, यहाँ तक तो कर लिया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये वाला पार्ट हो गया है तो फेजर वगैरह आप बना लिए होंगे तो थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है।
यहाँ हम लोगों ने इतना चीज कैलकुलेट कर लिया, तो आई क्या लिखोगे? आई होता है आई नॉट, वो तो दिया है 5/√2 साइन, पहले फेज इसका जो दिया है वो लिख लो 100 π/T। अब मैं पूछूं कि फेजर में 45 डिग्री आया था, फेजर याद करो तो फेजर यही बना था, 4 इधर बना था, 4 नीचे बना था, ये 4√2 हुआ था और ये 45 डिग्री। अब इसमें 45 प्लस करें या माइनस करें ये नहीं समझ में आ रहा। तो देखो सर्किट का बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर मतलब डोमिनेटिंग पार्ट कौन सा है, कैपेसिटर है कि इंडक्टर है। तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस है 2, इंडक्टिव रिएक्टेंस है 6। इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर 6 आ रहा है तो यानी ये डोमिनेटिंग पार्ट हुआ। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस 6 आ रहा है तो इसका मतलब इसका बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ओवरऑल सर्किट का जो बिहेवियर होगा वो किससे गवर्न होगा? कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर का बिहेवियर ज़्यादा डोमिनेटिंग है इंडक्टेंस से, तो इसलिए कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है। अब एक बार करंट आ गया तो VR, VC, VL लिखना बहुत आसान है। VR लिखना होगा तो आसानी से वैसे ही लिखो, मैग्नीट्यूड पार्ट कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड पार्ट तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें इंटू 4 आई इंटू आर। फेजर पार्ट कितना होगा, तो फेज हमें पता होता है कि जो करंट का फेज होता है वही वोल्टेज का फेज होता है, तो VR आ गया। VC लिखना है तो मैग्नीट्यूड पार्ट पहले लिखो 5/√2 इंटू, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है XC का, XC का 6। फेज पार्ट लिखना है तो फेज पार्ट के लिए पहले करंट का फेज लिखो 100 π/T प्लस 45। इतना लिख लिया, इससे करंट कितना है वो उसका फेज लिख लिया। अब वोल्टेज को हमें पता होता है, वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर का वो लैग करता है कितना डिग्री, 90 डिग्री, खुद से तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। VL लिखना है तो 5/√2 मैग्नीट्यूड पार्ट इंटू 2 साइन, करंट का फेज जो दिया है पहले उसी को लिख लिया, और हमें पता होता है वोल्टेज जो होता है 90 डिग्री, सॉरी थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये करंट कैपेसिटर में करंट लीड करता है ना, तो वोल्टेज लैग करेगा ना, तो यहाँ माइनस लगाना चाहिए क्योंकि करंट जो आया है वो ये आया है, ये लीड करता है करंट, यानी ये लीड करता हुआ है, तो इससे 90 डिग्री पीछे रहेगा। और इंडक्टर में करंट लैग करता है यानी प्लस का 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक की तो बात हो गई, आगे चलते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने का तरीका, हमें लग रहा है कि समझ में आ गया होगा और एकदम रटा रटाया तरीका है, एकदम रटा रटाया, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, जैसे बस बोलता जा रहा है वैसे करते चलो। एक और कर लो, यहाँ पे मान लो इस बार दे दिया एक ये V1, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया, इसको बोल दिया V2, दोनों का रीडिंग बताओ क्या होगा। ये XC दिया है मान लो 6 ओम, XL दिया हो 3 ओम, R दिया हो 4 ओम, ये मान लो है आपका V20 sin ωt। अब इस प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए, वोल्टमीटर जो मीटर होता है, यहाँ पर हम लोग जो मीटर पढ़ते हैं, ये मीटर जो होता है वो डीसी मीटर, डीसी में भी हम लोगों ने वोल्टमीटर एमीटर पढ़ा है, यहाँ पे भी वोल्टमीटर एमीटर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ के वोल्टमीटर एमीटर में और डीसी वाले वोल्टमीटर एमीटर में क्या अंतर है, दोनों में थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा पार्ट लेस करके देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मीटर के बारे में समझ लेते हैं। तो हम बात करें जैसे
थोड़ा सा बात समझ में नहीं आती, लेते हैं मेजरमेंट ऑफ डी ए सी। तो ए सी मीटर और डी सी मीटर, तो डी सी मीटर जो होता है वो आपको पता होगा मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर होता है, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर होता है। यहाँ पे जो ये एसी होता है, एसी वाला होता है हॉट वायर मीटर, ये वोल्ट मीटर है तो हॉट वायर मीटर है। ये कौन सा एसी वाला जो मीटर होता है, जैसे मतलब डीसी और एसी में बेसिक डिफरेंस अगर देखें तो डीसी और एसी में इसका नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, मूविंग कॉयल, और ये कौन सा होता है हॉट वायर। हॉट वायर मतलब ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हॉट वायर मतलब एक वायर होगा जो हीट जनरेट जैसे जैसे होता होगा तो आई स्क्वायर आर के प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्सपेंशन हीट मेजरमेंट से बनेगा, हॉट वायर कितना हीट हो गया, ठीक ना, टेम्परेचर के हिसाब से। तो यानी उसका हम आई आर एम एस मेज़र करेगा, हीट की पूरी कैलकुलेशन आपको पता है आई आर एम एस होता है। यानी ये जो एमीटर होगा एसी वाला वो कौन सा करंट, इसका नाम मूविंग कॉयल, ये क्या, अच्छा ये बताओ ये वर्किंग किस पे बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। इसका वर्किंग किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट। अरे हॉट वायर मतलब हॉट होने की प्रक्रिया क्या है, गर्म होना मतलब हीटिंग इफेक्ट है करंट का, ठीक है। इसमें मैं बात करूं तो हॉट वायर एमिटर जो होता है वो क्या, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे मैं बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या मेज़र करता है डीसी में, ये एसी मीटर जो होता है वो आरएमएस वैल्यू मेज़र करता है। क्या मेज़र करता है, याद रखिएगा आरएमएस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे डीसी क्या होता है, एवरेज वैल्यू मेज़र करता है। तो कांस्टेंट करंट है तो एवरेज वैल्यू का कोई मतलब नहीं, वो तो वही आता है, ठीक है ना। अच्छा डीसी मीटर को अगर एसी मेज़र करने के लिए लगा दें तो एवरेज वैल्यू तो साइन ओमेगा टी का, तो एक पीरियड में जीरो होता है। अगर हम डीसी कॉयल को एसी सर्किट में लगा दें, यहाँ पे अगर डीसी होता, ये हॉट कॉयल नहीं होता, मूविंग कॉयल अगर होता तो जीरो रीडिंग आता, यहाँ का भी रीडिंग कितना आता, जीरो। डीसी को एसी में लगाओगे तो जीरो, क्योंकि एवरेज मेजर करता है, तो एवरेज साइन ओमेगा टी का तो एक पीरियड में जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है आपको पता होगा, ये डिफ्लेक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए, ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तो यानी एक बात समझ में आ गया कि ये क्या मेज़र करेगा, ये मेज़र करेगा, ये जो है वो आर एम एस वैल्यू मेज़र करेगा, ठीक है। आर एम एस वैल्यू मेज़र करेगा तो पहले तो निकाल लें, तो प्रोसीजर बहुत रटा रटा है, एक्सेल एक्सेल सब कुछ दिया है, तो इस बार फेजर सबसे पहले बना दो। तो फेजर बनाओगे तो एक्सेल ऊपर, याद रखिएगा एक्सेल ऊपर 3, ये एक्सी नीचे 6, आर इधर 4, इधर लेके आए तो वेक्टर के हिसाब से देखा जाए 6 3 में से 3 नीचे बचा, 4 इधर आया, ये रिजल्टेंट जेड की वैल्यू 5 आया, ये 3 4 तो मतलब ये बना 37 डिग्री, ठीक है। तो तुरंत हम लोग आई नॉट की बात करते हैं, आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा वी नॉट बाई जेड 4 एम्पियर। भाई आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस हो जाएगा 2√2। अच्छा मैं एमीटर यहाँ नहीं लगाया हूँ, अगर कल के दिन यहाँ एमीटर रहता तो वो क्या रीड करता, 2√2 रीड करता। कल के दिन मैं यहाँ पे एमीटर लगा दूँ इसका रीडिंग कितना आता है,
इसका रीडिंग आता 2√2, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर जो होगा इसके करंट का आरएमएस देगा क्योंकि इसके क्रॉस लगा है, ये वोल्ट मीटर इसके वोल्टेज का आरएमएस देगा। तो पहले इसका वोल्टेज का वैल्यू, पीक वैल्यू लिख लो, उसका आरएमएस निकाल लोगे। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो करंट अगर अपने को लिखना होगा तो करंट क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला फेज लिख लिया, आप डिसाइड करो ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा। तो कैपेसिटर ज़्यादा, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, बहुत सही। तो करंट लीड करता है मतलब 37 डिग्री। बोलो भाई, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। अब करंट पता चल गया तो वी आर, बोलो वी आर क्या होगा, मैग्नीट्यूड पार्ट पहले लिखो, 4 × 16 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। वी एल बोलो, 4 × 24 ओमेगा टी प्लस 30। इतना लिखने के बाद अब जो आपका करंट, देखो अब इतना फेज मैंने मैग्नीट्यूड पार्ट लिख लिया, फेज पार्ट इतना लिखा उसका, अब होल्ड करो। देखो कैपेसिटर में करंट लीड करता है तो ये वोल्टेज लिखने जा रहे हो, तो यानी ये लीड करता हुआ है, इससे 90 डिग्री पीछे रहेगा, तभी तो इस करंट को बोल पाओगे लीड कर रहा है। वी सी हो गया, वी एल क्या होगा, 3 × 12 साइन ओमेगा टी प्लस 37। इससे लीड करेगा वोल्टेज, इंडक्टर में करंट लैग करता है। अच्छा बताओ इसका रीडिंग क्या आएगा, वी वन का रीडिंग बोलो कितना आया, इसका ये वी आर का आरएमएस 8√2, इंडक्टर का आरएमएस 6√2, ये सारे रीडिंग आ गए हैं, ठीक है। अब एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो रीडिंग जरा देखो, वी आर जो है वो उसका पीक वैल्यू 16 है और वी एल का पीक वैल्यू 20 है और इसका पीक वैल्यू 12 है और सोर्स का पीक वैल्यू कितना है 20। क्या कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वो इन सोर्स वोल्टेज से भी ज़्यादा हो गया, सोर्स वोल्टेज का तो मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू ही सोचो तो ये तो है यार 20 और कैपेसिटर के क्रॉस ये तो चला जा रहा 24 तक। इसीलिए इस सीरीज एलसीआर सर्किट को हम लोग कभी कभी एम्पलीफायर के फॉर्म में भी यूज करते हैं, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है ना, वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है। अगर कल के दिन मुझे बात करना हो तो वोल्टेज एम्पलीफाई करना होगा, सीरीज बना देंगे, जिसके क्रॉस जो ज़्यादा होगा इन दोनों में उसी के क्रॉस एम्पलीफाई होगा। देखो ये ज़्यादा था इसलिए इसके क्रॉस ज़्यादा आ गया, सोर्स से भी ज़्यादा आ गया, ठीक है। अब इस पर बैठ के एक आध दो प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। मैं सीरीज LCR पे हो गया हमें लग रहा है, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम मैं एक और करता हूँ, चलो सीरीज LCR पे थोड़ा प्रैक्टिस जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाए, जिससे कि चलो ये है चलो ये दिया है मान लो 20 sin ωt। मैं अब एक्सेल एक्सी बार बार नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया है, आपको भी शायद समझ में आ गया है कि वो तो कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेल होता 1/ एक्सेल होता ओमेगा एल, पता होता है सबको, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। ये मान लो आपको दिया हो कुछ 12 ओम, एक्सी मान लो दिया हो कुछ 4 ओम, आर दिया हो कुछ 6 ओम, ठीक है। मैं बोलूं कि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, एमीटर की रीडिंग बताओ, कैसे भी लगा दो, एक मतलब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, कहीं भी लगा दो। तो मान लो ये टर्मिनल ए से लेके बी तक का हमें पूछा गया है, यही तो मेजर करेगा,
तो सबसे पहले स्टेप एकदम बहुत ढंग से याद हो, पहले फेजर बनाते हैं, फेजर तुरंत बनाओ। फेजर बनाएंगे तो 6 4 10 बना दिया तो नहीं, इसको 10 मत लो, इसको 12 कर लो। थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा, बाकी कुछ है नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कितना बना, 8 6, ये रिजल्टेंट आ जाएगा 10। 10 आ रहा है इसीलिए मैं कैलकुलेशन में चेंज किया था कि अच्छा सा आ जाए, जिससे कि आपको गणित थोड़ा कमज़ोर होगा तो काम चल जाए। तो ये 53 डिग्री, ठीक ना, फेज डिफरेंस आ गया 53 डिग्री, जेड की वैल्यू। आई नॉट तुरंत निकाल लेंगे, आई नॉट होता है वी नॉट बाई जेड, तो वी नॉट 20/10 2 एम्पियर। आई नॉट पता चलते ही तुरंत आई आर एम एस बोलो, √2। आई लिख दो, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस होगा कि माइनस, वो देखना पड़ेगा। कैपेसिटिव बिहेवियर है कि इंडक्टिव है, तो क्लियरली इंडक्टिव है। इंडक्टिव में करंट लैग करता है, तो लैग करता है तो कितना डिग्री लैग करेगा, 53 डिग्री, ठीक है। आ गया ये आई आ गया। अब आई आ गया तो देखो यार, ए बी वी ए बी पूछा है ना, तो वी ए बी पूछा है, तो देखो वी ए बी हम बताते हैं, यानी वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी, यही तो पूछा है, वी ए माइनस वी बी पूछा है, तो वी ए माइनस वी बी लिखो जरा। तो चलो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज लिखो, क्योंकि ये इसका नेट पूछा है ना, वी ए माइनस वी बी, तो वी ए से शुरू करो, वी ए से शुरू करो। वी ए प्लस से माइनस घट रहा है, माइनस आई आर, फिर माइनस आई एक्स सी इक्वल टू वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी जो होगा वो होगा आई आई आर, यानी वी आर, एक तरीके से बोलो वी आर प्लस आई एक्स सी मतलब वी सी, यानी वी आर प्लस वी सी पूछा है। क्यों, यानी अपने को पूछा है वी आर प्लस वी सी बताओ क्या होगा, तो वी आर प्लस वी सी बता लेते हैं। यहाँ तक तो नोट कर ही लिया होगा, तो वी आर प्लस वी सी देखो ऐसे आ जाएगा। आई पता हो गया था, आई नॉट कितना था, आई नॉट है 2, तो आई अपना लिख लिया गया था। आई क्या होगा, 2 sin ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री, और वी आर कितना है। अब देखो तो वी आर और वी सी, वी ए बी जो होगा वी आर प्लस वी सी है, तो बहुत ध्यान से देखो, तो वी आर कितना लिखोगे, वी आर लिखोगे क्या, 6 × 12 साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री प्लस वी सी कितना होगा, वी सी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड पार्ट लिखो, 4 × 2 8 साइन ओमेगा टी माइनस 53। ये वोल्टेज लिख रहा हूँ ना, तो वोल्टेज करंट से लैग करता है, माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये दो एस एच एम को हम लोग सॉल्विंग का तरीका तो पता ही है, ये ध्यान से देखा जाए, दो एस एच एम है, दोनों को सिंप्लीफाई करना है। फेजर बनाओ, फेजर बनाया जाए तो, फेजर बनाया जाए तो रेफरेंस इसको मान लिया जाए, इसको रेफरेंस अगर इस फेज को मानोगे तो 12 इधर बनाया है, ये देखो इस रेफरेंस से 90 डिग्री और नीचे है, 8। रिजल्टेंट कितना आया,
अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 64, ये एंगल थीटा। तो अब ये वैल्यू जो आया वी नॉट आ जाएगा। अब ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे ही तो कुछ आएगा। वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री रिफरेंस सेफ थीटा कम माइनस थीटा, यही तो आएगा। आपका क्या मेजर करता है आरएमएस वैल्यू, तो इसी बाई रूट टू कर दें, यही जो आ गया इसी का रूट टू टाइम्स डिवाइड कर दें तो रीडिंग क्या आएगा, रीडिंग आ जाएगा अपना वी नॉट 144 प्लस 64 8 6 4 8 10 208 बाई रूट टू अंडर रूट 104 वोल्ट, ये आंसर आ गया। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। एक बार और इसको ट्राई कीजिएगा थोड़ा और समझ के, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन एक था। हम बात करते हैं थोड़ा सा पैरेलल सर्किट की बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चर्चा करेंगे, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा पैरेलल सर्किट होता तो कैसा होता, पैरेलल सर्किट पैरेलल सर्किट की बात